तो स्टार्ट करते गाइस हम आज 35वां चैप्टर। और 35वां चैप्टर में हम क्या सीखेंगे कि जग के बाल पुट्टी या अपना एशियन बाल पुट्टी हो गई या हमारी जो बाल केयर पुट्टी हो गई, मतलब इनमें से कोई भी पुट्टी किस तरह से हम कौन सी पुट्टी का कैसे टेक्सचर बनाते हैं। तो अभी फिलहाल में हमने शुरू करते हैं हम अपनी जग के बाल पुट्टी का टेक्सचर बनाना। तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं हम जो हमारी जग के बाल पुट्टी है उससे डिजाइन निकालना। और कैसे निकालेंगे और किस तरह निकालेंगे तो ये आपको मैं आपको इसमें सारी जानकारी दूंगा। अब पानी का अगर मैं बताऊं आपको कितना डालना है कितना नहीं डालना है तो आप ऐसे समझ लीजिए, अगर पानी अगर आप मेरे हिसाब से डालोगे या अपने हिसाब से, मैं अपने हिसाब से बताता हूं कि 5 किलो पुट्टी में कम से कम हम 1 या 1.5 लीटर 1 से 1.25 लीटर पानी 5 किलो पुट्टी खा लेती है, या कम से कम 1.5 किलो, बस 1.5 लीटर, इससे ज़्यादा नहीं खाती और पुट्टी बहुत शानदार बन जाती है उसमें। और इसकी हम बात करें, ये हमारे पास मिक्सर मशीन है तो इससे आप मिक्सर मशीन से अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हो, चाहो तो आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कुछ सेटों पे मैंने हाथ से मतलब पुट्टी बनाता था और हाथ से ही हम मिक्स करता था। वैसे ही आप हाथ के साथ अगर बनाना चाहते हो पुट्टी तो हाथ के साथ भी बना सकते हो, मशीन के साथ बनाना चाहो तो उसके साथ भी बना सकते हो। और अच्छी तरह से आपने इसका घोल तैयार करना है, एकदम आटे की तरह गूंदना बढ़िया करके, एकदम मतलब इसके अंदर रोड़ियाँ ना रहें। और उसके बाद आपने दीवार पे अप्लाई करना है अपने हिसाब से, कितनी मोटी कितनी पतली पुट्टी रखनी है वो अपने हिसाब से आपने रखनी है, क्योंकि उसमें आपको पता है कि किस तरह से आपने चलानी होती है आपका अपने हाथ से कि कितना मोटा आपका मतलब किस तरह से आपका हाथ कितनी मोटी पुट्टी छोड़ सकता है। तो हमने पुट्टी लगानी शुरू कर दी है और पुट्टी जो लगा रहे हैं हम वो लगा रहे हैं गुरमाला से, और इसमें थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं पर रोड़ियाँ अभी भी हैं क्योंकि ज़्यादा अच्छी तरह से मिक्स मशीन से नहीं हुई है, नहीं तो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। तो वो तो आपका टेक्सचर में, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा वो भी नहीं रखा था, क्योंकि टेक्सचर हमने करना है और मोटा मोटा टेक्सचर करना है तो इसमें तो अगर बन भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ टेक्सचर में ऐसा होता है कि रोड़ी नहीं चाहिए होती हमें, बिल्कुल फिनिश चाहिए होती है। गुरमाला से अगर पुट्टी आप लगा रहे हो ना इस तरह जिस तरह मैं लगा रहा हूँ तो बिल्कुल बराबर चढ़नी चाहिए दीवार पे, बराबर होनी चाहिए, कम बढ़ती नहीं होनी चाहिए। अगर कम बढ़ती हो गई तो उसमें क्या होगा, जोड़ आ जाएगा, टेक्सचर बढ़िया नहीं बनेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि टेक्सचर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा आपका, और टेक्सचर की जो फिनिशिंग है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो आज जो हम टेक्सचर जो लेके आए हैं, डिजाइन लेके आए हैं, वो लेके आए हैं हम जैके बाल पुट्टी का, जो ट्रैवल से हम करते हैं, यानी इससे जो गुरमाला है हमारे पास उससे करते हैं हम, जो हमारे पास काम करने वाला गुरमाला अभी देख रहे हो आप, इसी से हमने डिजाइन निकालना है और एक रूलर यूज करना है। अभी आप देख सकते हो किस तरह से मैंने पुट्टी एक सार चढ़ाई है, कहीं कम बढ़ती अगर है अभी कहीं पर होगा अभी तो वहाँ पर मैं अभी देख के चेक करके आपको इसमें दिखा दूँगा, और कहाँ पर कम लग रही है वहाँ पर दोबारा से हम पुट्टी लगा देंगे इस तरह से। तो पुट्टी हमारी बराबर चढ़ चुकी है, अभी हमारे हाथ में रूलर है, और रूलर वही है जो बड़े बड़े बाल से होते हैं मिलता है मार्केट में, आपको पता ही है 150 रुपये तक का मिल जाता है। इसे मारने से क्या हो रहा है, हल्का हल्का दाना उठ रहा है। अब दाना उठ रहा है तो डिजाइन भी आप सोच रहे होंगे यही डिजाइन बनाएंगे, लेकिन हम ये डिजाइन नहीं रखेंगे, दाना हल्का रखेंगे लेकिन डिजाइन दूसरा रखेंगे हम। और आने वाले समय में बहुत जल्द आपको डिजाइन लेके आने वाला हूँ बहुत शानदार और भी। और इसका जो अगला जो मतलब जो फाइनली दीवार जो होगी वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा, जो मेरी 36वां चैप्टर होगा उसमें दिखाऊंगा। तो इस तरह से आपने गुरमाला चलानी है, ये देखिए रूलर चलाने का मतलब क्या होता है कि हल्का हल्का ना मारना ऊपर आ जाता है, उससे क्या होता है कि गुरमाला जैसे हम चलाएंगे ना तो वैसे वो मटेरियल उठा देती है और उसमें डिजाइन आपका निकल जाता है। थोड़ा थोड़ा छोड़ छोड़ के आप चला सकते हो इस तरह से, ये देखिए, और इस तरह से आपका डिजाइन निकलेगा। रूलर आप चलाते रहिए, उसमें आपको ये भी पता लग जाएगा रूलर के हिसाब से कि कहाँ पे कम बढ़ती है कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ कम है, क्योंकि जब दाना कम बढ़ती उठेगा तो समझ लो कम बढ़ती है वहाँ उस जगह पुट्टी भी कम बढ़ती लगी है, ये देखिए। तो इस तरह से हमने अच्छी तरह से इसको चलाना है, अच्छी तरह से डिजाइन निकालना है, और इसमें जोड़ नहीं आएंगे बिल्कुल भी, अपने हिसाब से आप
डिजाइन निकालें और जोड़ आने का कोई चांस नहीं है। जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि जैसे कि आपने देखा कि कहीं कहीं पे इफेक्ट हमारा जो हमने दाने वाला दिया है, इससे क्या होगा कि हमारी टेक्सचर की लुक है ना बहुत अच्छी आएगी। और दूसरी बात ये कि अगर आपको लगता है कहीं पे ये कम बत्ती हमने इफेक्ट दिया हुआ है दाने वाला, उसे दोबारा से यू टच कर सकते हो। जैसे ये टच हो गया हमारा, अब टच होने के बाद में हमने यही इफेक्ट देना है, तो इसको ऐसे कर देना है और इसको ऐसे कर देना है। ये बीच में हमारा जो इफेक्ट है दाने वाला बनके तैयार हो गया है। इसमें जोड़ वाला कोई काम नहीं है, पेंटर भाई बोलते हैं जोड़ आता है, जोड़ का तो हमने काम ही खत्म कर दिया है। डिजाइन हम वो लेके नहीं आ रहे जिसमें जोड़ आ रहे हैं। तो इसको दो तीन जगह ऐसा है कि इफेक्ट थोड़ा कम है और उसको मैं दोबारा सेट करा, क्योंकि मैंने जानबूझ के वो इफेक्ट छोड़ा था, जिससे कि मैं आपको दिखा सकूं। जैसे ये वाला है, ये है एक, ये है और एक, ये है एक, ये है थोड़ा बहुत, ये है। अभी देख सकते हो पूरे में एक जैसा बनाना है हमने, तो अब इसको हम करेंगे यूं, ये बन गया, इसका इफेक्ट हो गया, ये इसका इफेक्ट हो गया। ये जरूरी नहीं है गुड़माला जैसे हमने पहले चलाई थी वैसे ही हमने डार्क स्टेन देना है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मर्जी मार सकते हो, लेकिन एक इफेक्ट होना चाहिए डिजाइनिंग का। अब पूरा आप देख सकते हो पूरा किस तरह से मैंने इसका इफेक्ट बनाया और बहुत शानदार इफेक्ट निकला है। जो हम इफेक्ट देना चाहते थे इसके अंदर वो हमारा फाइंड हो चुका है, और अभी देख सकते हो पूरे बराबर है। और जो हल्का हल्का रफ होगा, जैसे ज्यादा रफ होता है तो एक बार मार के, वैसे मैं पहले वीडियो बताया था एक बार मार के कम सब कर सकते हैं। अभी वीडियो जो मेरी थोड़ी लंबी होगी, लेकिन क्या ये काम बढ़िया होगा और आपको पूरा सिखाया जाएगा। गाइस ये हमारी दीवार फाइनल हो चुकी है, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, और उसमें आपको सारा कुछ बताऊँगा कि किस तरह से कौन सा कलर हमने और कैसे लगाया है और किस तरह से उस पर कलर देना चाहिए और रेगमार कौन सा यूज करना चाहिए।